धनबाद के वैज्ञानिक संस्थान सिंपर के सामुदायिक भवन में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन। वार्षिक पेंटिंग परीक्षा में धनबाद बोकारो से 192 परीक्षार्थियों ने लिया भाग। बंगीय संगीत परिषद कोलकाता से संबद्ध हॉबी सेंटर धनबाद एवं सिंपर स्टाफ क्लब के संयुक्त तत्वावधान में सिंपर सामुदायिक भवन में वार्षिक पेंटिंग परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा में धनबाद के अलावे बोकारो से कुल 192 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। स्टूडेंट के साथ साथ कई टीचर भी इस परीक्षा को देने पहुंचे। एग्जामिनर के तौर पर आसनसोल से प्रख्यात आर्टिस्ट कल्याण सिंह गुप्ता मौजूद रहे। हॉबी सेंटर के डायरेक्टर जाने माने आर्टिस्ट शिवशंकर धर ने इस मौके पर बताया कि विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों से कक्षा 6 से कक्षा 10वीं तक और उससे ऊपर के बच्चों के अलावा कई स्कूलों के शिक्षक ने भी इस परीक्षा में भाग लिया। उन्होंने बताया कि 6th ईयर की परीक्षा के बाद इन्हें मास्टर ट्रेनिंग दी जाएगी। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। ये सिंपर स्टाफ क्लब और हॉबी सेंटर द्वारा इस सिंपर कम्युनिटी सेंटर में ड्राइंग का पेंटिंग का एग्ज़ाम लिया जा रहा जो कोलकाता बंगीय संगीत परिषद द्वारा किया जा रहा है। ये और इसमें आसनसोल से कल्याण सेनगुप्ता जो एमिनेंट आर्टिस्ट है वो आए हैं एग्जामिनर के तौर पे, ये बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमारा आद्य मध्य से लेकर के 6th ईयर तक का एग्ज़ाम दिया जा रहा जो धनबाद से लेकर बोकारो तक का भी स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट किए, करीब 150 स्टूडेंट इसमें है। और अभी सुबह 8:30 चालू हुआ, 12:30 तक ये एग्ज़ाम चलेगा। इस यहाँ से जो भी रजिस्टर्ड मेरा इंस्टीट्यूट है हॉबी सेंटर 1988 से ये चला रहे हैं, इसमें से जो भी स्टूडेंट यहाँ से निकलते हैं कोई ना कोई स्कूल में या कहीं पर आर्ट टीचर का जॉब के लिए वो तैयार हो जाते हैं। इस तरह का ट्रेनिंग हम देते हैं, करीब 36 साल से ये ट्रेनिंग मेरा चलते आ रहा है। और ये सेंटर में फर्स्ट मैंने एग्जीबिशन 1991 में किया था और ये सेंटर मेरे लिए बहुत लकी है, कोरोना काल में नहीं कर पाया, बहुत साल बाद यहाँ फिर से ये एग्ज़ाम चालू हुआ है। सारे जो बच्चे का रिजल्ट निकलेगा? नहीं, ये लोग का रिजल्ट आएगा, एक महीना में आ जाएगा, एक महीना में कोलकाता जाएगा पेपर, वहाँ से बन के रिजल्ट एक महीना में आ जाएगा। इसका कितने बच्चे का आता है, रनअप में कैसा आता है? हाँ, कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है इसमें? ये करीब हमारा 300-400 बच्चे में से 150-200 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, उसको लिया जाता है। करीब अभी 191 के आसपास बच्चे हैं। इनको क्या कुछ दिया जाता है? इसमें सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो अच्छा करता है उसको मेडल अवार्ड भी मिलता है। ठीक है, अभी सर्टिफिकेट मिलेगा, रिजल्ट आएगा, इसका मार्कशीट होगा। कौन कौन स्कूल से आया? ये धनबाद का सब स्कूल, मतलब कार्मेल, डिनोबली, राजकमल, दिल्ली पब्लिक, ISM के हैं, बहुत जगह का है, बोकारो के हैं सारे छोटे, कौन से छोटे बच्चे, स्कूल के टीचर लोग भी है, जो स्कूल में टीचर है पेंटिंग के वो लोग भी एग्जाम दे रहे, उधर बैठे हुए 6th ईयर 7th ईयर, मास्टर डिग्री का भी एग्ज़ाम यहाँ होता है। क्लास ये क्लास जो एज 6 से होता है ये एग्ज़ाम, एज 6 होने से ये एग्ज़ाम, अब 6 से लेकर के टीचर तक, टीचर ट्रेनिंग भी हम देते हैं यहाँ पर। हाँ, टीचर लोग भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, स्कूल के टीचर है, उनको आगे डिग्री बढ़ाना है, जिसको करना 7th ईयर 8th ईयर उसके लिए भी है। अपना पूरे परिचय? मेरा नाम शिव शंकर धर, मैं हॉबी सेंटर का डायरेक्टर हूँ। धनबाद में फर्स्ट टाइम हमने एग्जीबिशन चालू किया था।